दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि आपका दिन शुरू होता है कुछ अजीब तरीके से। कई बार तो कुछ बढ़िया ऐसा हो जाता है कि आपका दिन बन जाता है, लेकिन कभी कभी आपके साथ ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं होती है कि आपको लगता है ना जाने किसका मुंह देखकर उठे थे और ये गड़बड़ हो गई हमारे संग। चलिए देखते हैं आज के कुछ ऐसे ही खट्टे मीठे और मजेदार पल। मिस्टीरियस स्टोरीज टीवी प्रेजेंट्स गॉट ऑन कैमरा पार्ट 11। दोस्तों ये बॉलीवुड स्टार जरीन खान, अरे भाई जरीन खान जो देखने में कटरीना कैफ जैसी लगती हैं, अब भैया स्टार्स की बात ही अलग है। देखो कितने स्टाइल में फोटो क्लिक करा रही हैं। मैडम जरा इधर देखना, थोड़ी फटा हमसे भी क्लिक करा लो। अच्छा तो मैडम शॉर्टकट रास्ता ढूंढ रही हैं, लेकिन कैमरे के सामने जो पोपट हुआ रे भैया, अरे ये देखो, अरे अरे नहीं क्या कर, यहाँ से निकलना पड़ा। शॉर्टकट मारोगे तो यही होगा मैडम। क्यों दोस्तों, वैसे दोस्तों जरीन खान आपको पसंद है अगर तो कॉमेंट करें। यस, अरे यार अम्मा अगर मत जी कहाँ चढ़े जा रहे हो, अरे ये सब सामान काहे गिरा रहे हो भैया, हमसे मांग लो हम दे देंगे जो भी चाहिए आपको। अरे बता दो चाहिए क्या, क्या खाओगे? अच्छा अच्छा गर्मी लग रही है, ठीक है ये लो ठंडी ठंडी बर्फ के मजे लो। दोस्तों न्यूयॉर्क के वुड हेवन में एक रेस्टोरेंट है बिग बॉय, जिसका वीडियो कुछ दिन पहले काफी वायरल हुआ था। दरअसल यहाँ काम करने वाली एक कर्मचारी को काम के दौरान भूख लगी, इतने में उसने रेस्टोरेंट का फेमस कॉर्न ब्रेड खा लिया। लेकिन कॉर्न ब्रेड खाते ही उसे न जाने क्या हुआ, उसका दम घुटने लगा, सांस लेना मुश्किल हो गया। दरअसल दोस्तों उसके गले में कॉर्न ब्रेड अटक गई थी, वो बात ही नहीं कर पा रही थी, कुछ भी करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। जिसके बाद उसकी कोवर्कर निकोल ने उसे काफी संभालने की कोशिश की, उसकी पीठ थपथपाई, उसके हाथ ऊपर करवाए, हर तरह से चोकिंग फर्स्ट एड देने की कोशिश की, लेकिन सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल थी दोस्तों। वहां अचानक एक ऑफिसर आ गया जो मिशिगन स्टेट की पुलिस में था और शायद रेस्टोरेंट में खाना खाने आया था। उसने महिला को 7 बार हिमलिच मैनूवर दिया, कई बार उसकी पीठ थपथपाई, जिसके बाद वो महिला के गले से कॉर्न ब्रेड निकालने में सफल हो गया। तो दोस्तों इस तरह अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके इस महिला की जान इस पुलिस ऑफिसर ने बचा ली। महिला ने बाद में वीडियो शेयर करके पूरी जानकारी मीडिया के सामने बयां की। और दोस्तों ये वीडियो क्लिप उन लड़कियों के लिए जो सनकी आशिकों के जाल में इस कदर फंस जाती है कि निकलना मुश्किल हो जाता है। ये एक रेस्टोरेंट का सीन है दोस्तों, जहां ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ एंटर होती है। बता दे दोस्तों ये सनकी बॉयफ्रेंड इस लड़की को लेकर हद से ज्यादा पॉसेसिव है। लड़की काफी डरी सहमी सी है, ये टेबल के उस तरफ बैठना चाहती है लेकिन वो खींच कर उसे अपने पास बैठा लेता है। होटल की वेटरेस दोनों को फूड सर्व करना शुरू कर देती है। वहीं लड़की अपनी मदद के लिए मौके की तलाश में वो किसी तरह टेबल पर रखा पेपर नैपकिन उठाती है और अपने बॉयफ्रेंड की नजरें बचाते हुए उस पर पेन से अपनी मदद के लिए एक मैसेज लिखती है। अब की बार जब वेटरेस खाना लेकर आती है तो लड़की प्लेट के नीचे नैपकिन रखकर इस वेटरेस को थमा देती है। वेटरेस थोड़ी हैरान होती है और काउंटर पर खड़े वेटर को पर्चा थमा देती है, बताती है लड़की मुश्किल में। वेटर लड़की की परेशानी देखकर पुलिस को कॉल करता है। पुलिस को देखकर लड़के को गुस्सा आ जाता है, लेकिन बबुआ ही पुलिस वाला, इससे पंगा मत लेना। तो लड़कियों ऐसे लड़कों से सावधान रहना वरना अंजाम बुरा हो सकता है। अच्छा वीडियो कंटिन्यू करने से पहले नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए। ये रिपोर्टर जेसिका लैंच जो फ्लोरिडा की रहने वाली है, आज मैडम का मूड घर में ही एक वीडियो शूट करने का है। तो दोस्तों अपनी माँ के साथ किचन में वायरस से कैसे निपटा जाए उसके बारे में गुफ्तगू करती दिख रही है। लेकिन ये क्या मॉम को आवाज दी, आईपॉप्स वो भी साल में। अरे पापा जी आपको कैमरा नहीं दिख रहा क्या, आ गया अपना मोटा पेट दिखाने के लिए, पूरा वीडियो का बंटा थार कर दिया। वैसे दोस्तों अगर आपको अपने डैडी की याद आ गई तो कॉमेंट करें यार। दोस्तों ये रिपोर्टर भी ना नजारे कैसे कैसे कांड लाइव कैमरे पर कर जाते हैं। अब जरा इन मैडम को देखो, ये कैमरे में सिखा रही है कि कैसे आप अपने बालों को एक शानदार कट दे सकते हैं। मैडम जरा ध्यान से कहीं कंजी मत हो जाना। अब आते हैं मुद्दे पर। दरअसल दोस्तों ये मोहतरमा ये सीन शूट करते टाइम भूल गए कि पीछे से नहाते हुए नंगू पंगू हालत में इनके पतिदेव भी इस वीडियो में कैप्चर हो गए हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद मैडम को ये रियलाइज हुआ और आखिर ये क्या हो गया भैया। वैसे जो भी हो पतिदेव के सीन ने वीडियो की शोभा 100 गुनी बढ़ा दी है या 200 गुनी, आप डिसाइड करो भैया। दोस्तों ये सुना रहे हैं मौसम का हाल यानी वेदर फोरकास्ट, देखो कितने बढ़िया तरीके से बता रहे हैं, समझ आ रहा है ना आप लोगों को। लेकिन ये क्या कौन है भाई, किसे देख कर हंस रही है? अरे 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 लोग तुम्हें देख नहीं पा रहे, कहा है परेशान हो रहा है। ओह ऑडियंस को तो बताने दो मौसम का क्या हाल है। देखो 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 हमने पकड़ लिया इसको, आपको इनके हाथ दिखाई दे रहे ना भाइयों बहनों, क्या आप जानना चाहते हैं यहाँ कौन छिपा है? अरे भूत भूत नहीं है, हम बताते हैं आपको। देखो ये बाबूजी जब मौसम का हाल सुना रहे हैं तो वो दरअसल एक हरी स्क्रीन के सामने खड़े हैं, जो एडिटिंग की दुनिया में क्रोमा कहते हैं उसको, है ना। जरा साइड में देखो, अरे यहाँ कोने में देखो, देखा तो ये बता दे इसी का चमत्कार है। देखा हरे रंग के कपड़े पहने वही इंसान है जो इनको ऑन स्क्रीन छेड़ रहा था। मिल लो आप इस हरे भूत से, देख रहे हो।
ये भैया पाकिस्तान के हीरो नंबर वन यानी लड्डू खान। जिम विम की इनको कौनो जरूरत ना आई है। अरे कार की क्षति काफी इनके लिए, खुद ही देख लो, कार के ऊपर चढ़कर ऐसे तगड़े पुशअप्स लगा रहे हैं क्या बताएं। एक दो तीन चार पांच, गए भैया जी, गए कार के अंदर। अंधेरी रात, सड़क पर चारों तरफ गाड़ियां, कोई इधर से आ रही कोई उधर से आ रही, लेकिन ये क्या, ये बीच में लड़कों का गैंग कैसे आ गया? और ये क्या, इनके हाथ में क्या भला है, बंदूकें? लेकिन इसमें से गोलियों की जगह पटाखे फूट रहे हैं। वाह क्या बात है भाई, ऐसी फाइट तो हमने पहली बार देखी भाई। दोस्तों बच्चे भी कभी ना कभी कुछ कर दिखाते हैं जो बड़े नहीं कर पाते, ऐसा तो ऐसे ही कुछ छोटे पैकेट ने भी कर दिखाया बड़ा धमाका। दरअसल भैया कैलिफोर्निया की एक छोटी सी बच्ची ने एक बड़ी चोरी होने से बचा लिया। हुआ क्या दोस्तों, ये बच्ची अपनी फैमिली के साथ बाहर जाने के लिए अपनी कार में बैठी और बैठते ही एयर कंडीशन ऑन किया, इसने तो क्या देखा पता है, एक इंसान इनके गैरेज की तरफ आ रहा है। बिना एक मिनट गवाए बच्ची फौरन कार से निकली और चिल्लाने लगी। फिर क्या था, चोर माशे इसके चिल्लाने से डर गए, हो गए 9:11। ओ तेरी, ये बाहुबली कहां से आ गया, देख रहे हो ना भाइयो, ये किसे लाद के भाग रहा है अपने कंधों पर। ओहो तो भाई साहब ये हाथी का बच्चा। दोस्तों आपको बता दें, हाथी का जो बच्चा है ना नहर में फंसा हुआ था, जिसे इस हिम्मती इंसान ने निकाला और इसका इलाज कराने के लिए दौड़ पड़ा। भाई कुछ भी कहो, बंदे में दम है, इसके लिए एक लाइक तो बनता है यारो। अब इस लड़के को देख लीजिए, आप जरा मोहतरमा से मिलिए, कारनामे देखिए जरा। आप इस लड़की को देखिए, जरा कमेंट में बताइए कि चल क्या रहा है। अरे यार ये चल क्या रहा है समझ में तो मुझे भी नहीं आया। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दें, पसंद आया तो जल्दी से लाइक ठोक दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चाहते हैं इस वीडियो का अगला पार्ट देखना तो कमेंट करें नेक्स्ट पार्ट। धन्यवाद।